चलो काली कब जाने का टाइम हो गया है ना, काली के लिए लड़कियां रो रही है, जा रे बस से निकल जाएंगे। एकदम 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 भैया जरूर चलो लेके जाए ना बुआ को। मेरे लिए आप 100 ही दिए ना, देखो मुझे भी 100 वाला मैं देखो देखो ना 100। हाँ ठीक है 100 उससे खा लेना। चल इसको लेकर निकल रहे हैं, चलो 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 आ बेटा चल। 10:30 हो रहा है और ट्रेन जो है 10:50 में है अपनी यहाँ पे डुमराव स्टेशन पे पटना के लिए। चलो काली कब जाने का टाइम हो गया है ना, काली चले बेटा। क्यों क्या हो गया, मोह लग गया क्या? लड़कियां रो रही है, ओए भगवान लड़कियां रो रही है, काली के लिए लड़कियां रो रही है, जा रे जा। तुम तोड़ दी बेटा बास्केट तोड़ दी। अपनी ट्रेन उस साइड में आ रही है, आइए जल्दी से पार हो तो फिर पकड़े उसको हम। देखिए इस साइड में अपनी ट्रेन भी आ चुकी है और इस ये मगध एक्सप्रेस, इसको पकड़ के पटना जाना है और पटना से फिर इसको लेके बस से निकल जाएंगे कहाँ, मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी के लिए। थोड़ी सी लेट हो गई एक्चुअली। काली को देखिए कितने प्यार से बच्चा मेरा सो रहा है बास्केट पे, और ट्रेन के डब्बे के जो लोग हैं ना वो इसको देख देख के परेशान है, हैरान है कि भाई ये बंदा जो है डॉगी लेके जा रहा है। और क्यूट तो इतनी है ना कि मतलब पूछिए। और हम लोग दानापुर स्टेशन आ चुके हैं, बहुत जल्द पटना पहुँचेंगे हम लोग। प्यार से सो रही है। पूरे 2.5 घंटे के बाद पटना जंक्शन पर अभी उतरे हैं। अब यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए चलते हैं, बस पकड़ना है फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर डायरेक्ट। और अपने देश की आन बान शान अपना तिरंगा को इतना खूबसूरत लग रहा है ना, तिरंगा को लाइक करने वाले फिर से कलेक्ट हो गए फटाफट। बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है इधर में पटना साइड में और मैं अभी बस में बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और फाइनली अपनी सेकेंड जर्नी जी हाँ दोस्तों, पटना से मुजफ्फरपुर अपना स्टार्ट हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ बस से मुजफ्फरपुर के लिए। और बारिश कर रहा हूँ, जबरदस्त बारिश हो रही है। मैं आधा से कहीं ज़्यादा मैं भीग गया था पटना जंक्शन से बस में आते आते ऑटो में बैठे बैठे, और अपनी गाड़ी जो है पटना गायघाट गुरुद्वारा पार कर रही है तो बीच पे हैं। और अपने जो कस्टमर हैं, अपने जो भैया हैं वो आ चुके हैं मुजफ्फरपुर में। और अभी क्या ना कि मेरे को वक्त वक्त लगने वाला, क्योंकि अभी मैं गाड़ी जो है ना वो पूरा घुमा के लेके जा रहा है और देख ही रहे जाम इतना, इस साइड में जाम का कहना नहीं है बॉस, क्या जाम ही लगता है। बस भगवान से मना रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं पहुँचूँ और डिलीवरी दे करके फट से फटाफट मुझे पटना भी रिटर्न होना है, मैं पटना रिटर्न हो जाऊँ, बस जितनी जल्दी बस पहुँच जाऊँ, बस यही चाहिए। और मेरी काली लास्ट बार काली को मैं देख रहा हूँ, बच्चा मेरा देखिए कितना प्यार से कितना सो रही है ना। मैंने इसको सोचा कि मैं देख लूँ कि ये मतलब कैसी है, मैंने देखा ये सो रही है तो मैं इसको छोड़ दिया मैंने इसको। और कितना क्यूट कितने प्यारी लग रही है ना बच्चा मेरा, सो जाए ऐसे ऐसे ही सो जाएगा। और भाई लोग अपना
खर्चा लेकर के मैं आपका सुधर जब भी मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर के धरती पे और भैया यही ऑटो स्टैंड के आसपास में है कहीं, मैं उनको कॉल करता हूं, देखते हैं भैया कहां पे हैं, क्योंकि बच्चा दे के उसके बाद फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। नमस्ते भैया के, अरे बड़ी झका दिया एकदम, आप घुमा फिरा के लाया है गाड़ी ना, इतना घुमा फिरा के लाया है कि मत पूछिए, ठीक है ना। हाँ हाँ ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसको दिक्कत अगर करना रहता तो हम गाड़ी में डाल देते, बिंदास अपना पानी सानी बिस्किट उसके खाओ के आराम से अपना लेटा हुआ है। खाली कहाँ आ गई बेटा, कहाँ आ गई, ट्रेन में निकाले ना, अब सबको देख रही है फेस की, मतलब घर पे थे तो घर पे कोई दूसरा था, यहाँ पे कोई दूसरा है, अब पूरा ट्रेन में सबका फेस देख रही है। चले आप लोग, मतलब आप लोग बाइक से निकलिएगा? अच्छा अच्छा, बैठो 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 बैठो, जाना बेटा जाना जाना, चलो गाली जा रही अपने घर ना बेटा। घर कब तक पहुँचिएगा लगभग? डेढ़ घंटा मान के चलिए, तो घर पर जाइएगा ना, तो थोड़ा सा खाना पिटिकली है घर पे ना, तो वही उसको दे दीजिएगा, ठीक है भैया, पकड़िए इसको ऐसे ही ले लीजिएगा हाथे में, अब बारिश उरिश अगर होगा ना तो हम कर देंगे, तो बस इसमें खाली अपने डाल लीजिएगा। जाओ काली, जाओ 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 जाओ, ठीक है सर, ठीक 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 है भैया, चलिए ठीक है, फिर मिलना होगा। हाँ हम निकल जाएंगे भैया, देख लेते हैं थोड़ा सा इधर पर पेशाब जब करके हम आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकले हाँ ठीक है जरूर जरूर, ठीक है भैया, एकदम 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 भैया जरूर। फाइनली अपनी काली जो है वो जा चुकी है सीतामढ़ी के लिए दोस्तों, और अभी क्या है ना सीन ऐसा है कि भाई मेरे को लगा हुआ तगड़ा भूख एकदम, तो पहले चलते हैं बस स्टैंड में कोई बढ़िया सा अच्छा सा कोई देखते हैं कुछ खाने पीने को मिल जाए। और ये मुजफ्फरपुर का बस स्टैंड है, इवन यहाँ से आपको सिलीगुड़ी कोलकाता दिल्ली मतलब हर एक क्षेत्र में जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी, और ऐसा नहीं है मतलब बहुत अच्छी अच्छी बसें मिलती है बिहार में, यहाँ से आप दिल्ली अगर आपको जाना हो, सिलीगुड़ी जाना हो, बंगाल जाना हो, आपको हर बस यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी। और ये सामने आप देख रहे हैं ये बस स्टैंड है, बैरिया बस स्टैंड है, एक और यहाँ का मुजफ्फरपुर का मैंने सुना है कि एक और बस स्टैंड है, बट क्या ना कि मैं कभी वहाँ पे गया नहीं, तो पहले चलते हैं खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से अपना बस लेके पटना के लिए, चलते हैं पहले खाना खाते हैं। पूरे लगभग जहाँ तक हमको लग रहा है 7 साल के बाद मुजफ्फरपुर हम आए हुए हैं बस से। जी हाँ दोस्तों, 2017 में आए थे एक काम के सिलसिले में, उसके बाद कभी भी मुजफ्फरपुर में आना हुआ तो बाइक से ही आए हैं, बस से नहीं आए हैं, बट आज जो एक काम था इस सिलसिले में आना हुआ, अब यहाँ से चलते हैं पटना अपना फिर वापस घर के लिए, क्योंकि कल परसों फिर पटना से काम करके और उसके बाद फिर निकलना है अपने घर, तो चलिए चलते हैं पटना। अब इस बस से 7 बजे के आसपास में इसका टाइम है, अभी का टाइम जो है 6:31 हो रहा है, तो चलिए चलते हैं इसी से। पर ये अपनी बस फुल्ली एसी वाली, अभी में फिलहाल खाली है, और जैसे भी इस पर धीरे धीरे जैसे इसका टाइम होगा ना ट्वेंटी पैसेंजर जो आ जाएंगे। मुजफ्फरपुर का जो आने वाला जो रास्ता है पटना से, वो क्या है ना कि डाइवर्ट है, बंद है, उसकी वजह से आने में उस साइड से बहुत दिक्कत हुआ, जहाँ 2 घंटे लगने चाहिए वहाँ पे पूरे के पूरे 4 घंटे लगे, गाड़ी जो है लालगंज क्या पता कैसे कैसे घुमा के ले गई। मेरा तो ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि मैं बराबर हमेशा आते जाते रहता हूँ, बस पटना से अपना बाइक हम लोग उठाते हैं, अगर कोई भी काम रहता तो डायरेक्ट आ जाते हैं मुजफ्फरपुर, अभी ये बस वाले पूरा डाइवर्ट करके ले गए, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बट अब इधर से जाना है आराम से इजिली जाना है, क्योंकि घर पर आज निकलना नहीं है, कोशिश यही रहेगा कि पटना पहुंचेंगे आराम करेंगे, कल जो है फिर एक जगह निकलना है छपरा है कुछ काम से, छपरा से रिटर्न आने के बाद फिर उसके बाद घर चला जाएगा, तो फिलहाल अभी कोई काम धंधा है नहीं, आज का जो अपना काम था वो फिनिश हो गया और गाड़ी पूरी की पूरी खाली है, जैसे जैसे पब्लिक यहाँ इसमें आएंगे धीरे धीरे बैठेंगे, उसके बाद इसका जो टाइम होगा फिर उसके बाद हम लोग निकल चलेंगे।
टाइम अभी का आपका हो रहा है 6:36, ठीक है। ड्राइवर साहब ने बोला कि 6:50 तक खुल जाएगी, कोई नहीं 7 बजे खुले, 7:30 खुले, अब तो जाना है अपने घर में। चलिए चलते हैं आराम से। टाइम 6:47 और फाइनली अपनी जो गाड़ी है पटना के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। बाय बाय मुजफ्फरपुर, बाय बाय काली, चलते हैं घर। बच्चा मेरा वो भी रास्ता में जा रहा होगा, हम भी जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पटना एंटर कर चुके हैं, गांधी सेतु ब्रिज पे हैं। और आज का मेरा ब्लॉग आप लोग का कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।